इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस में शराब की तस्करी करने वाले फरार चल रहे इनामी तीन शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के दौरान बड़ी मात्रा में की गई शराब की तस्करी। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरे देश भर में लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम सरकार द्वारा आम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया था। ऐसे लॉकडाउन में शहर के अन्य जिलों से शराब तस्करी के दौरान लसूड़िया पुलिस ने चेकिंग के समय एक चार पहिया वाहन में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की थी, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने बड़वानी में रहने वाले शिवम पाटीदार, राकेश जायसवाल और धर्मेंद्र सिसोदिया का नाम सामने आया था। आरोपियों से मिली जानकारी पर उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों की तलाश जारी रखी। काफी समय से आरोपी फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। लॉकडाउन के समय शराब तस्करी में अपराध पंजीबद्ध हुए थे दो, जिसके कुछ आरोपी फरार थे जो इनामी थे। इनमें से तीन आरोपियों को लसूड़िया पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। सर, एक ब्लाइंड मर्डर को लेकर के आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? काफ़ी ब्लाइंड मर्डर को तो जितना भी जो है इस तरीके के क्राइम्स रहते हैं, पैरेलली क्राइम ब्रांच भी जो है उनको देखती रहती है। और इसी तारतम्य में जो है जो भी अंधे अनसुलझे मर्डर्स हैं, इसमें लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहती है।